पहाड़ों की रानी मसूरी से लगे जौनपुर क्षेत्र में पहाड़ी बग्वाल बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है, जिसमें ग्रामीण महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा के साथ में ढोल की थाप पर जमकर नृत्य किया है। पहाड़ी बग्वाल में सबसे पहले युवा घास के लिए जंगल जाते हैं, जिसके बाद उन युवाओं की पूजा की जाती है और उनको नचाया भी जाता है, जिसके बाद युवाओं के द्वारा लाए गए घास से एक रस्सा बनाया जाता है। ग्रामीण महिलाएं और पुरुष उस घर के बने हुए रस्से को खींचकर जमकर नृत्य करते हैं और इस परंपरा पर ग्रामीणों का कहना है कि जब भगवान रामचंद्र वनवास से अयोध्या वापस आए थे तब उनकी खबर पहाड़ी क्षेत्रों में तकरीबन एक महीने के बाद मिली थी, जिसकी खुशी में इस पहाड़ी दीपावली को एक महीने के बाद मनाया जाता है, जिसे हम बग्वाल कहते हैं। मसूरी से नरेश नौटियाल की रिपोर्ट। बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं, जो बल्कि पहली दिवाली होती है हमारी, तो उसको हम उतना नहीं मनाते, इस दिवाली को हम अच्छे ढंग से मनाते हैं। जो हमारी महिलाएं हैं वो वेशभूषा में आती हैं, हम रस्सा खींचते हैं, बाण खींचते हैं हमारे यहाँ। ये उत्तराखंड का जो मुख्य त्यौहार है बग्वाल, ये बग्वाल उत्तराखंड के प्रमुख त्योहारों में एक है और इसको मंगसीर का बग्वाल कहते हैं। और इस बग्वाल की जो पीछे जो किंवदंती है, जो मान्यता ये है कि जब भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे तो उसकी सूचना, एक मान्यता ये है कि उसकी सूचना पहाड़ों में एक महीने बाद हुई। ये दिवाली जो है हमारे यहाँ जो है, जो हम पुरानी दिवाली जिसको हम कहते हैं बग्वाली, हम इसके नाम से कहते हैं, तो ये पुराणों का कहना है कि जैसे कि रामचंद्र जी है अपने वनवास काट करके, और मैं तो वो एक महीने पहले पहुंच गए थे, लेकिन जो दूर दराज की जो हमारे गांव में जैसे पहाड़ों में वगैरह में उसकी खबर ये बहुत बाद में पहुंची है।